इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं जयोदय अतिश क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवारा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान हैं, यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहां असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहां आने वाले भक्त प्रतिमाओं के दर्शन करने से सुख शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं वरं बं बं हं सं तं झं झं झिं झिं झ्विं झ्विं द्रं द्रं ह्रीं त्रीं द्रवे द्रवे नवते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मं पापं खिंडे खिंडे जय जय दे दे पच पच पचे पचे ओम नमो अर्हं झं झिं झ्विं हं सं झं बं हयसा छां छीं छुं छै छै छौ छं छा छिं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रे ह्रे ह्रूरुरा द्रं त्रीं द्रवे द्रवे नवते भगवते श्रीमते टाटा समागम समस्त भव जीवानां श्रीरस्तु विदरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणम स्वाहा। ओम विश्वादय श्रीवर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरहंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगलां धिया यम च सिद्धिं तद्वन्तु सदर्मकै सुयम च सिद्धिं पिच्छन्तु नः। ओम नवरते भगवते श्रीमते श्रीमत्शान्तिनजी कुन्तनजीरेनजी तीर्थङ्करै श्रीमरत्नाधरे रूपाय दिव्यतेजोमोदे प्रभामण्डलमण्डिताय द्वादशगणसहिताय अनंतचतुर्दशसहिताय समूषणके बलगा लक्ष्मीशोभिताय अष्टादशदोषरहिताय चतुर्दशमुक्ताय परमेष्टिपवित्राय सम्यग्ज्ञानाय सुमवे सिद्धाय बुद्ध्याय परमात्मने परमसुखाय त्रिलोकमहिताय अनंत संसारचक्रवर्धनाय अनंत ज्ञानदासमिष्कास्पदाय त्रिलोकवसंकराय सत्यज्ञानाय सत्यमेमडे भरतफणामण्डलमण्डिताय ऋषियालिका सर्वसाविका प्रमुख चतुर्विश संगम सर्ग मनाय घाधिगरम छिन्नकराय अजराय अभय अस्माकम शांतिधरा कर्ता परिवार श्रीमान धर्मचंद जी अनिता जी अंजलि जी अंकित जी सागर वाला परिवार सपरिवार मंगल भतो सुभाष चंद जी अचुकी जी गरिमा जी कुणाल जी हांगकांग बाली पटना सपरिवार मंगल भतो समस्त महिला मंडल चंदेरी सपरिवार मंगल भतो कमल जी नयन जी साई पिंकी जी विवेक जी निकिता जी समीर जी हिरल जी साई परिवार सपरिवार मंगल भतो दिलीप जी अंजू जी अभी जी सुरभि जी दिया जी भीलवाड़ा राजस्थान सापरिवार मंगल भवतो गीता देवी जी मातृश्री जयप्रकाश जी अरविंद जी विधि जी प्रखर जी संयम जी भीलवाड़ा राजस्थान सापरिवार मंगल भवतो समस्त महिला मंडल गुवाहाटी विजयनगर असम सापरिवार मंगल भवतो समस्त भव जीवनाम व्याधिम घनंतो व्याधिम घनं श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा सेवकानाम सर्वदोष रोग सुख भय पीड़ा विनाशतम भवतो। ओम नवरते भगवते भीषण से दोष कलम सहे देवी देव मोते नमः श्री शांति नथाय शांति कराये सर्विघ्न विनाशनाय सर्वकाम विनाशनाय सर्वपद्रो विनाशनाय सर्वष्ट शांति कराये। ओम ब्राह्म ह्रीम रुद्रस्य अवस नमः मम सर्व शांति गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। आई वल्ल विलासम सकल सुख फलगत्वा सुलंपम धीरम वीरम सदीरम निरूपम मुनत चनोक्षकेतम सिद्धिम विद्धिम समृद्धिम त्यक्चतु तनयस्पदुच्चे प्रतापम कांतिम शांतिम समाधि पितातु जगत्माम उत्तमा शांति धारा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां मितेन्द्रसामान् तपोधनानां देशष्टिराष्ट्रस्फुरस्थिराज्ञा करोतु शान्तिं भगवजिनिन्दा। मानसई जी जहाँ जहाँ व्यापार करते थे वहाँ वहाँ मंदिर बना देते थे। मानसई जी को जब यहाँ पर स्वप्न आया तब स्वप्न में उन्होंने इस स्थान को देखा और उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कर दिया, जिसमें उन्होंने पांच भगवान विराजमान किए। पांचों खड़गासन में साधिना जी कुंथना जी अरहना जी नैमिना जी चंदापुरु भगवान। पाणासई जी तो मंदिर बना गए और अपना उन्होंने कल्याण कर लिया। अब इस मंदिर की रक्षा कौन करेगा? एक ऐसा युग आया जिस युग में हमारे भगवानों का कहीं हाथ अलग कर दिया, कहीं पैर अलग कर दिए गए, कहीं हमारे मूर्तियों की गर्दन को अलग कर दिया गया, ऐसा हमारी प्रतिमाओं के साथ किया गया। ऐसा युग आया जहाँ पर हमारे भगवानों को जमीनों में आतताई शक्तियों से, बुरी शक्तियों से भगवानों को छुपाना पड़ा। यहाँ पर भी वह शक्तियाँ आईं भगवान को नष्ट करने के लिए। जब भी वह भगवान के पास भगवान को नष्ट करने पहुँचे, उन्होंने दरवाजे को तोड़ दिया। और जैसे ही भगवान के पास पहुंचते हैं, भगवानों के चरणों से अनेकों अनेकों
काली कलर की बिच्छू निकली और उन बिच्छुओं ने जो भगवान को खंडित करने आई थी वे बिच्छुओं ने भगवान को छूने भी नहीं दिया और ऐसे यहाँ के साधिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ भगवान नैमिनाथ चंदाप्रभु भगवान को अतिशयों के साथ आज हम यहाँ पर सुरक्षित पा रहे हैं। अनेकों अतिशय हैं जो इस यहाँ की भूमि पर हुए हैं। यहाँ के शांतिनाथ भवन का ऐसा चमत्कार, यहाँ के शांतिनाथ भवन का ऐसा प्रभाव रहा कि जय कुमार जी जो ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, विद्यार्थी अवस्था में थे, उनको वैराग दिलाया वो यहाँ के शांतिनाथ भवन ने वैराग दिलाया। आज हम देख रहे हैं पूज्य गुरुदेव सुदत्त संगय महाराज जी इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, इतनी साधनाएं कर रहे हैं, इनकी इतनी तपस्या कर रहे हैं, अनेकों तीर्थ बना रहे हैं, अनेकों हॉस्पिटल स्कूल बना रहे हैं, अनेकों जिनके द्वारा सामाजिक कार्य हो रहे हैं। 1000 साल पहले आचार्य मागनंदी महाराज ने शांति धारा दी थी, लेकिन भाई शांति धारा विलुप्त हो चुकी थी। आज शांति धारा जन जन तक पहुंच रही है, आज पूरे भारत देश के मंदिरों में अगर शांति धारा हो रही है तो पूज्य गुरुदेव निर्यापक स्वर्ण मुनि श्री सुदत्त संगय जी महाराज की देन है, जिन्होंने 25-30 साल से लगातार शांति धारा की महिमा बताई और अनेकों चमत्कार श्रावकों के जीवन में हुए। शांति धारा के माध्यम से आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व में शांति धारा, जहाँ जहाँ भी जैन मंदिर हैं वहाँ पर भी शांति धारा डेली हो रही है। और हमारा तो कहना है जिस शांतिनाथ भगवान ने, जिस ईश्वरवारा क्षेत्र ने ऐसे मुनिराज को दिया है, एक बार आभार में आकर ऐसे शांतिनाथ भवन की शांति धारा करें और आभार माने शांतिनाथ भवन का कि हे भगवान आपने एक ऐसे मुनिराज को दिया आज पूरे देश में जिनकी वाणी के माध्यम से, जिनकी तपस्या के माध्यम से, जिनकी साधना के माध्यम से जन जन का कल्याण हो रहा है। हम भी आपकी आभार में शांति धारा करने आए हैं, क्योंकि आप ना होते तो पूज्य गुरुदेव को बैराग नहीं आता, आपने ही पूज्य गुरुदेव को बैराग दिलाया है और ऐसे एक महान मुनिराज को दिया है जो एक पूरे विश्व में जैन धर्म का डंका बजा रहे हैं, जिन संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, जिन आयतनों की रक्षा कर रहे हैं, प्राणी मात का कल्याण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास सागर में हो रहा है, भागोदय तीर्थ पर हो रहा है। हमारा तो पूरी भारत देश की जैन समाज से कहना है कि जो भी जयोदय तीर्थ से 300 बार आना चाहते हैं 24 घंटे वहाँ पर वाहन उपलब्ध हैं, निःशुल्क वाहन व्यवस्था जयोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी ईश्वरवारा ने की है। जो भी यहाँ पर आना चाहते हैं सागर से ईश्वरवारा की दूरी भागुदय तीर्थ पर, जहाँ पूज्य गुरुदेव निर्यापक स्वर्ण मुनि पुंगो श्री सुदत्त संगय महाराज जी के चातुर्मास हो रहा है, वहाँ से यहाँ की दूरी 25 किलोमीटर है, सिर्फ 30 मिनट लगते हैं यहाँ तक आने के लिए। जो भी आना चाहते हैं रात्रि में यहीं पर रुकें, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, 20 कमरे AC कमरे हैं, आप यहाँ पर रुक कर सुबह जल्दी शांति धारा कर प्रवचन के समय तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आप अभिषेक करिए, शांति धारा करिए और अगर यहीं पर भोजन की भी व्यवस्था है, जो भी भोजन करना चाहते हैं, लेकिन जो प्रवचन में पहुंचना चाहते हैं तो आप प्रवचन के समय तक भी पहुंच सकते हैं, भागुदय पहुंच सकते हैं, पूज्य गुरुदेव का प्रवचन का भी लाभ लिख सकते हैं और यहां पर शांति धारा का भी लाभ लिख सकते हैं। एक बार ऐसे भगवान की कुंथनाथ हरेनाथ भवन की शांति धारा करें जिन्होंने, जय कुमार जी ने अपनी ब्रह्मचर्य अवस्था में जिन भगवान का 18-19 साल तक अभिषेक किया, शांति धारा की, एक बार उन भगवान की एक बार शांति धारा का, जिन जिन ने अभी तक इनकी शांति धारा नहीं की है एक बार जरूर लाभ लें, क्योंकि देखो यह वही भगवान है, यह वही ईश्वरवारा है जिस ईश्वरवारा ने, जिन भगवान ने पूज्य गुरुदेव सुदत्त संगय महाराज जी को दिया है। आज हम पूरी दुनिया में उनके उपक्रम देख रहे हैं, उनके सामाजिक धार्मिक कार्य देख रहे हैं, आज कितना उपकार उनके द्वारा हो रहा है। इसलिए हमारा सभी से कहना है सागर से निःशुल्क वाहन की व्यवस्था है, जब भी आप आएँ ईश्वरवारा जरूर आएँ, यहाँ के भगवान की शांति धारा करें, अभिषेक करें। बोले देवा देव शांतिनाथ भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश।